वालेकुम सलाम। और कारोबार कैसे चल रहा है? वो इधर ही है, अभी कोई आता है तो मालूम करके मैं बता देता हूँ। कारोबार ये है कि अगर आप कहीं भी नया कारोबार करें, 10-15 हज़ार रुपये लगा देते हैं, जगह देखते हैं कि कारोबार ठेला देख के, उससे आपको यानी कि काम की वो हो सकती है। जैसे अगर कारोबार आपका बढ़ता है तो फिर आप आगे भी कामयाब हो सकते हैं। सही, बिल्कुल। आप कोई जगह देख लें, जैसे कोई जगह फारिग पड़ी हुई है, वहाँ चहल पहल है, रोजगार की जगह है, खाना लगा सकते हैं, सालन रोटी लगा सकते हैं, चाय लगा सकते हैं। ये तो हमारा छोटा सा स्टॉल है, ये हमारा 1-2 किलो 2 किलो निकलता था, अब 8-10 किलो दूध है। तो ये आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो हमारे को 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए माशाल्लाह। और ये इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो जगह की ज़रूरत है, जगह आपको ऐसी देखनी है कि वहाँ पर जो और जो ऑफिस वगैरह सामने हो, सही इस तरह का जगह चाहिए होता है एक, सही है। उसके बाद जो है हम अपना ठेला देखते हैं, ठेला या केबिन वगैरह देखते हैं, सही है। अगर हमें ठेला चाहिए हो तो वो कितने तक के बन जाते हैं ठेला? भाई ठेला तो वैसे जो है ना, अगर वैसे अगर हल्का फुल्का लें तो आप 5-6 हज़ार का मिल जाएगा। अगर आप अच्छा बनवाना चाहें, आपके पास पैसे हैं, तो 20-25 हज़ार भी लग सकता है। जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं है तो आप नहीं, जैसे अगर एक गरीब जो है वो शुरू में उसके पास पैसे कम, यही है भी वो किराए पे ठेला ले आए तो 5-6 हज़ार से मिल जाता है किराए का ठेला। सब्जी मंडी पे है ये, और जहाँ पे फ्रूट वगैरह वाले खड़े हुए होते हैं वहाँ से मिल जाता है। सब्जी मंडी से मिल जाती है? सब्जी मंडी से किस जगह से मिलती है? सब्जी मंडी ये असगरी पार्क के पीछे जो है ना, वो टेलीफोन वालों का वो है, वहाँ पे किराए वाले ठेले भी मिलते हैं और फ्रूट वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं। तो हमें एक छोटा सा जो चाय का केबिन है वो हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ठेला चाहिए, सही है। उसके बाद हमें कप वगैरह और ये सब चाहिए। कितना खर्चा है? कम से कम 12-15 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। क्या क्या चाहिए? कप, चाय के कप हो गए, चूल्हा, कितने होने चाहिए कम से कम? चाय कम से कम 12 कप हो, 12 कप। और एक केतली भी चाहिए होता है? एक केतली, दूध का पतीला, गैस का चूल्हा, गैस की टंकी। अगर आप गैस की टंकी हल्की लोगे तो लालच के अंदर तो वो फटने का खतरा रहता है। ये है कि 1000-1500 रुपये की अगर गैस की टंकी होगी तो मजबूत होगी, तो आपको इससे कोई खतरा नहीं रहेगा। इसमें गैस की टंकी चाहिए, कप चाहिए, केतली चाहिए और एक चूल्हा भी चाहिए। चूल्हा, बर्निया, बर्निया। तो ये इन सब का टोटल खर्चा कितना है? 1215 हज़ार में हम ये शुरू कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं भत्ते वत्ते के लिए, उसका देखो जी, ये तो रोजगार है सबका, हर इंसान का पेड़ लगा हुआ है। पुलिस वाले तो ऐसे कोई बदमाशी से नहीं मांगता, वो अपनी मोहब्बत से चाय पिला दो, मोबाइल आके खड़ी हो जाए। अगर आपने उसको 2 चाय, पुलिस वालों को 4 चाय पिला दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपकी 2 चाय गिर गई तो आपका वैसे भी तो नुकसान हो गया। अगर कोई पिया जाए तो अल्लाह इसका अजर ही दे सकता है, अजर ही दे सकता है, बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास हैं कितने ऐसे लोग भी जाते हैं जो अच्छे सफ़ेद पोशी में आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, चाय पिला दो, अच्छा बैठ जाओ भाई। वो बोलता है भाई 12 रुपये की चाय है तो मेरे पास 5 रुपये में, अच्छा भाई बैठ जाओ। जो सफ़ेद पोशी में है यानी कि ट्रैफिक वाले कहलाते हैं, सही। सफ़ेद पोशी का ये मतलब है, देखो भी मैं हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास सिर्फ वहीं 5 रुपये, मेरा दिल चाह रहा है चाय पीने का, कुछ खाने का। अगर मैं आपके पास चला गया तो यार मेरे को 5 रुपये चाय पिला दो, अगर आपने खुदा दर से रहम करके बोल लिया कि प्याली चाय पिला दी तो आपको इसका अल्लाह अजर देगा। अल्लाह अजर देगा, बिल्कुल सही, अल्लाह अजर देता है। तो भाई अगर आप, अगर कोई दूसरा जो गरीब बंदा है वो अपना ये कारोबार खोलना चाहे तो उसको आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही दूंगा भाई, यानी कि हिम्मत से और हौसले से, यानी कि किसी से उधार लो या कोई जगह खाली देख के या कोई ऐसी देख के वहाँ पे आप अपना रोजगार शुरू करो। तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब। और अपना फ़ोन नंबर? हमारे एक सुपरटेक फाउंडेशन है, वहाँ पर जो है बुध को, हर बुध को जो है हमारा वहाँ पर मीटिंग होता है, जितने भी छोटे मोटे कारोबार होते हैं। 03218965722 ये इनका नंबर है। क्या नाम है आपका? 277 मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अयूब का है। तो अगर इसके जगह आपका जो दुकान बना दें, इस जगह पे दुकान बना दें
या एक छोटा सा केबिन बनाने, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे फ़ायदा ये हो सकता है, अभी अगर हम गवर्नमेंट को पैसा देना चाहें, जो वो जो हम जो किसी को या नजायज़ कोई हमारे से अगर 100, 200, 300 रुपये लेके जाता है, अगर हम गवर्नमेंट को ये जगह के पैसे दें तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। आपने कभी पूछा कि गवर्नमेंट वाले से पता किया कि हमारे यहाँ पर जो है केबिन बना दो, सही है, और जो है हमारा कारोबार इससे बढ़ सकता है? आपने कभी कॉन्टेक्ट किया किसी? नहीं, वो पहले इन्होंने केबिन डाले थे तो काफ़ी जगह पे लोगों ने, गरीब लोगों ने यानी कि मजदूर लोगों ने पैसा लगाया है, तो उस जगह के वो केबिन वगैरह हटा दिए गए हैं, तो उनको वो मुआवजा नहीं दोबारा मिला। सही, तो वो कहाँ गए, उनका सारा नुकसान हो गया? उनका तो नुकसान हो गया, वो तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अगर गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ ठिया रख के दे रही है, अगर उससे 1,50,000, 2,00,000 रुपया अगर किश्त की सूरत में ले रही है, तो फिर अगर वो गरीब आदमी पैसा दे दे तो यानी कि उसको लॉस तो नहीं हुए ना। सही, तो हमारा ये मकसद है, देखें यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि केबिन हो। सही है, केबिन पर जो है अच्छा सा प्रिंट हुआ वो, और वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ चाय शॉप। हाँ सही है, बिल्कुल अच्छी बात, चाय शॉप। और आपका जो ये लिबास है सलवार कमीज, सही है, इसको चेंज करके जो है अच्छा से जो चाय बनाते हैं उसके लिए अलग से कपड़ा हो, सही है, उस पर बिल्कुल। उससे अलावा एक तो सफाई बहुत अच्छी चीज़ है, और इनसे अगर कोई ठिया कोई या दुकान का नुमा कोई चीज़ ऐसी बनी हुई होती है, तो एक दूर से कस्टमर हो या लेडीज हो या कोई हो, वो ये बोलते हैं भी खाने की शॉप है, भूखा है, प्यासा है, इसमें ट्रैफिक में कोई जा रहा है, बिल्कुल सही, नहीं समझ में आया तो बोलते हैं ये शौक है, चलो। जैसे बड़े बड़े कार वाले वो गंदगी की वजह से रुकते नहीं है। हाँ सही है, बोलते हैं ये गंदगी है यहाँ पर जो है जरासीम हुए, इसकी वजह से लोग ज़्यादा एतराज़ करते हैं। यहाँ पर जो केबिन बना दिया जाए, प्रिंट हुआ हुआ हो, और लोग अगर यहाँ से कहीं कोई भूख लग रही हो, हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए बिस्किट वगैरह रखा हुआ हो, बिस्किट वैसे है आपके पास? बिस्किट वगैरह होते हैं, वैसे अगर कोई ऐसी शॉप बनी हुई हो उसमें आप अच्छे आइटम भी रख सकते हैं, आप बेकरी के आइटम रख सकते हैं, तो इससे आपका बिजनेस जो है डबल हो सकता है, बिल्कुल रोजगार में यानी कि बेहतरी आएगी। तो अगर ये चीज़ करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए हमारे पास खुद को आएंगे आप हमारे ऑफिस में, सुपरटेक फाउंडेशन का नाम है हमारे इदारे का, तो वहाँ पर आएंगे तो आपको बता देंगे कैसे, यानी कि कहाँ पे आपका ऑफिस? ये हमारा जो है हिल पार्क के सामने है, नहीं सॉरी, ये अपना सुपर नाइज स्टोर है, उसके अंदर शनाज आर्केट है, शनाज आर्केट स्टोर से। हाँ तो तीसरी मंजिल पे है, वहाँ पर आप आ जाएँ तो वहाँ पर जो है हम आपको मशवरा देंगे कि कैसे आपका बिजनेस डबल हो सकता है। सही, बिल्कुल आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आप नंबर दे दें, टाइम बता दें। इंशाल्लाह, ये हमारा कार्ड है, कार्ड दें। अगर आपके पास आता है तो आने वाले को यानी के क्या, हम अपने वहाँ पर जो है मशवरा देते हैं कि हमारे यहाँ ये जो है हमारा एडमिन है, और जो है इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी आप पता करना चाहे, आप अपना मशवरा लेना चाहे कि मुझे जो है अपना जो है डबल करना है, तो ये वो मैं कैसे करूँ वो आपको बताएंगे, आप इस तरह जाएँ उस तरह करें तो आपका बिजनेस डबल हो सकता है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पी लो, चाय पी लो।